नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ देने वाले हैं आपको। भर्तियों के लिए बेरोजगार अनशन पर बैठे हैं, हालात बिगड़ने पर भी भर्ती नहीं किया तो SMS के बाहर भी धरना शुरू। देखिए दोस्तों, किस प्रकार का धरना है। लंबित भर्तियों को पूरा करने की नई भर्तियां निकालने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव को तबीयत रविवार को बिगड़ गई। इसी दौरान पुलिस ने इसको जयपुरी अस्पताल में भर्ती करा दिया। यहां हालात में सुधार नहीं होने पर अस्पताल में यादव SMS अस्पताल के रेफर कर दिया गया। जब बेरोजगार यादव के साथ SMS अस्पताल पहुंचे तो इमरजेंसी में यादव को भर्ती करने से इनकार कर दिया। इससे नाराज बेरोजगार इमरजेंसी के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इसके बाद हरकत में आए अस्पताल प्रशासन ने यादव को भर्ती कर इलाज शुरू किया। देखिए दोस्तों, किन मांगों से ये धरना है अभी दिखाते हैं आपको। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 लेवल 2 की एक सूची और जारी करनी है। राजस्थान की भर्तियों में भारी राज्यों का कोटा खत्म करना है। नई भर्तियां निकाली जाए, PTI भर्ती में जल्द ही नियुक्ति दी जाए। NM भर्ती 2013 के 6,719 और LDC भर्ती पंचायत राज के 1,029 पदों पर नियुक्ति का कैलेंडर जारी किया जाए। ये है दोस्तों मांग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय करें, शेयर करें ताकि सभी दोस्त है वो सक्रिय हो सकें, आगे भाग ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।